सबका आदाब। हैदराबाद सिटी पुलिस अभी चुनाव जो 2023 का चुनाव तेलंगाना स्टेट असेंबली का, उसके लिए तैयारी पे है। हैदराबाद सिटी में साउथ जोन पे अराउंड 608 पोलिंग स्टेशन से, उसमें 280 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं। उसको ऐसा पूरा हैदराबाद साउथ जोन पे डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक बहादुरपुरा है, एक चारमीनार है, याकूतपुरा है, चंद्रायन गुट्टा है, और मलकपेट एंड राजेंद्र नगर का थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो वो सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के पुलिस नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, उनसे कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन पे, और बाहर से भी फोर्स आ रहे हैं ताकि एंटायर इलेक्शंस पीसफुल हो जाए। कि फोर्स CAPF का फोर्स अलग अलग फेसेस पे आते हैं। जो पहले फेस 20 अक्टूबर को आ रहे हैं, उनके लिए अकोमोडेशन साइट्स भी देखा गया, और उन लोग का साइट से भी DIG CRPF भी आके साइट्स देख के उनका अप्रूवल भी दे दिया कि अकोमोडेशन लायक है। उसके बाद जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो हमारा CP साहब का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक ही मोटो है टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कोई भी तरह का कि जबरदस्ती एंटी सोशल एलिमेंट का थ्रू नहीं होना, और साथ साथ कोई भी एंटाइसमेंट जैसे कि फ्री बीस या मनी डिस्ट्रीब्यूशन या लिकर या कोई और चीज़ का रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, ताकि वोटर अपना वोटिंग हक को विदाउट एनी डर या किसी लाल एंटाइसमेंट के बिना कुछ का करने के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं। अभी रेगुलर कंटिन्यूस रॉडी काउंसलिंग चल रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे बाइंड ओवर चल रहे हैं। अभी तक तकरीबन 200 लोग के आसपास बाइंड ओवर हुआ, और आगे भी बाइंड ओवर होते रहेंगे। और रॉडी काउंसलिंग और जो भी एंटी सोशल KD CDC सबके ऊपर हम लोग नज़र रखे, और साथ साथ उन लोगों के ऊपर काउंसलिंग एंड रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं, ताकि उनको एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का साइड नहीं जाना, और उन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी पर लाने के लिए कोशिश भी चल रहे हैं। तो सारी जितने भी व्यूअर्स है, पुलिस का साइड से एक रिक्वेस्ट है, अभी 5 साल पे एक बार आने वाले इलेक्शन से हमारा, उसका आपका वोट जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सोच समझ के आप बट ज़रूर वोट कीजिए बाहर आके, ताकि आपका जो वैल्यूबल वोट है यूज़ हो जाए। साउथ जोन में कितने लोगों को बाउंड ओवर किया गया? आज तक 200 लोग के आसपास बाइंड ओवर हुआ। वो रेगुलर प्रोसेस है, डेली होते रहे और आगे भी हो रहे। अभी तक अराउंड बिफोर इलेक्शंस और इलेक्शन मिला के, ये पूरा मिला के 1000 लोग तक बाइंड ऑलरेडी बाउंड ओवर है। नंबर ऑफ नॉन वैल्यूएबल वारंट्स NBW जो पेंडिंग है, हम लोग डिवाइड किया NBW विच आर इनसाइड हैदराबाद सिटी, आउटसाइड हैदराबाद सिटी एंड आउटसाइड स्टेट के लिए डिवाइड करके हम लोग टीम्स बना के भेजा। 126 NBW पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग टीम बना के उन लोग को पकड़ने का प्लान ऑलरेडी सर ने, CP सर ने एक प्रपोजल बनाया कि कैसे पकड़ना, और साथ साथ वेपन्स जो है सारी सारी डिपॉजिट डिपॉजिट कर चुके हैं। इतने वेपन्स हैं टोटल वेपन्स है 400 आसपास है, 400 के ऑर्डर। आज वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, उसमें 33 वेपन्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, जो प्रैक्टिस पे होते हैं, जो रिनाउंड शॉट्स होते हैं उन लोग के लिए एग्जेम्पशन है, और रिनाउंड शॉट्स साथ साथ जो बैंक पे वेपन के साथ सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं उन लोग के लिए एग्जेम्पशन है। वो 33 लोग हैं, उसके अलावा सारी वेपन्स डिपॉजिट हो चुके हैं। CRP की कितनी कंपनियां आपके पास? अभी तक आया नहीं, जैसे आप बोल अभी पहले कंपनी जो है 20th को आ रही है, तीन फेजेस पे आते हैं। एज ऑफ नाउ जो फर्स्ट फेज का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, दैट इज ऑन 20th ऑफ अक्टूबर को ये यहाँ पे फर्स्ट एक कंपनी पूरा स्ट्रेंथ आ रहा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के ये क्या स्ट्रेटजी है आपकी? है। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस जो है कुछ क्राइटेरिया की वजह से, इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया है, 7 डिफरेंट क्राइटेरिया, उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया में फिट होने की वजह से क्रिटिकल डिक्लेयर किया गया। तो उसमें वल्नरेबल पर्सन्स कौन कौन है आइडेंटिफाई किया, उनसे बात किया, और उनको भरोसा दिया, हमारा नंबर वो सब कुछ डिटेल्स दिया। साथ साथ जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन से वहाँ पे द डे ऑफ पोलिंग, प्री प्री पोलिंग, दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिवाइड किया। डे ऑफ पोलिंग का दिन कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ पे नहीं घूमने, उसके हिसाब से हम लोग रूट मार्च और साथ साथ बाइंड ओवर एंड
जो जिसको काउंसलिंग करना है उनका भी काउंसलिंग कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन पे किसी को कोई भी डरा ना सके। फ्लाइंग स्क्वाड टीम कितनी समझ स्क्वाड, हर जैसे फ्लाइंग स्क्वाड आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लाइंग स्क्वाड जोन के हिसाब से नहीं होते, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से होते हैं। तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे 3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं। ऐसा अपना साउथ जोन पे चारमीनार एंड फलकनामा का बहादुरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्लीट है, तो ऑलरेडी 6 साउथ जोन पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ याकूतपुरा का कॉन्स्टिट्यूएंसी आधा साउथ जोन पे आधा साउथ ईस्ट जोन पे, तो एंड सेम टाइम मलकपेट पे थोड़ा पार्ट है, चंद्रनगुट्टा पे थोड़ा पार्ट है, तो वो सारी अपने अपने एरिया से फ्लाइंग स्पॉट्स चला रहे हैं। एंड आज आज से फंक्शनिंग है फ्लाइंग स्पॉट टीम। थैंक यू सर। थैंक यू।